जालंधर में पीपीआर ग्रुप द्वारा शुरू किए जा रहे गेम ऑन इंडिया के बारे में जानकारी देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें पीपीआर ग्रुप के चेयरमैन अनिल चोपड़ा, वाइस चेयरपर्सन श्रीमती संगीता चोपड़ा, मैनेजिंग डायरेक्टर राजन चोपड़ा, मैनेजिंग डायरेक्टर प्रिंस चोपड़ा भी शामिल हुए। चेयरमैन चोपड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि पीपीआर ग्रुप द्वारा हमेशा शहरवासियों के लिए कुछ नया लेकर आने के लिए प्रयास किए जाते रहे हैं, जिसमें होटल्स, फ्लैट्स, घर और मॉल्स आदि शामिल हैं। ग्रुप द्वारा मिठापुर रोड स्थित शुरू किया गया पीपीआर मॉल सभी के लिए पसंदीदा जगह बन चुकी है, जहां लोग अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ समय बिताना पसंद कर रहे हैं। इसी को देखते हुए पीपीआर मॉल मिठापुर रोड जालंधर में गेम ऑन इंडिया गेमिंग जोन लेकर आ रहे हैं। चेयरमैन चोपड़ा ने कहा कि यह गेमिंग जोन अपने आप में आकर्षक है और पंजाब का सबसे बड़ा गेमिंग जोन है, जो कि 27,000 स्क्वायर फीट में बना है। राजन चोपड़ा ने बताया कि छोटे बच्चों से लेकर युवा गेमर्स तक और मध्यम आयु वर्ग से लेकर बुजुर्गों तक इसका आनंद उठा सकते हैं। यहाँ खाने के शौकीनों के लिए बेहतरीन फूड और ड्रिंक्स के साथ एक शानदार रेस्टोरेंट भी है। श्रीमती संगीता चोपड़ा ने कहा कि 24 दिसंबर को यह सभी के लिए लाइव बैंड फन एक्टिविटीज के साथ शुरू होने जा रहा है, जिसमें वह सभी शहरवासियों को इसका हिस्सा बनने की अपील करते हैं। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। मैं भी आपका हिस्सा हूं, तो आप सबकी तरफ से मैं सबको बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं इस नए वेंचर के लिए। पीपीआर ग्रुप हमेशा से ही जालंधर में सबसे ज्यादा अग्रणी रहा है, पाया नहीं रहा है। पीपीआर ग्रुप ही एक ऐसा ग्रुप है जिसने फ्लैट कल्चर को जालंधर में लेके आए। सबसे पहले अगर फ्लैट बने तो पीपीआर ग्रुप की बदौलत ही यहाँ पर आए, और उसके बाद से फ्लैट्स आज जालंधर के अंदर पॉपुलर होने शुरू हुए। इसके बाद जो हमारी एक स्कूल शिक्षा है, स्कूल शिक्षा तक का प्रचार और प्रसार, जहाँ जिस जिस रिलीजन में रूरल एरियाज में जहाँ भी जरूरत थी उसको पहुँचाने का अगर काम किया है, तो पीपीआर ग्रुप के साथ सेंट सोल्जर ग्रुप का जन्म हुआ और उनके साथ सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने अपने लिए एक जगह बनाई और आज वो पूरे नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा एजुकेशन ग्रुप है। आज गेम ओ जोन दी ओपनिंग राजन और प्रिंस चोपड़ा दे एफर्ट्स के नाल जलंधर दे विच गेम ऑन जोन शुरू किया गया, जो कि पंजाब का सब तो वड्डा गेमिंग जोन आ। इत्थे 60-70 साल के बुजुर्ग तो लैके 3 साल के बच्चे तक हर तरह के हर उम्र के बच्चे की उन्होंने इंटरटेनमेंट के वास्ते प्रोविजन की गई है, चाहे रेस्टोरेंट हो, बार हो, बॉलिंग हो, क्रिकेट हो, गेम जोन ओदे वास्ते हर हर आदमी हर एज ग्रुप के इंटरटेन वास्ते इत्थे प्रोविजन दिती गई। जालंधर वासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि उन्हीं का सदका जो है आज सेंट सोल्जर और पीपीआर ग्रुप ने जो इतिहास रचते हुए गेमिंग जोन की शुरुआत की है, और मैं चाहती हूँ कि सारी दुनिया जो है वो स्ट्रेस से परे रहे, और इसी वजह से इन बच्चों को ये सौगात दी जा रही है। राजन और प्रिंस दोनों ने ये जो समर्पण अपना इस गेमिंग जोन के से दिखा रहे हैं, तो मैं यही चाहूँगी कि हर बंदा जो है स्ट्रेस से रिलीफ करता हुआ और अपने आप में एक अच्छी तरह पीसफुल लाइफ जो है लीड कर सके। बच्चे यहाँ पे आएंगे, बुजुर्ग भी यहाँ पे आएंगे, पूरी फैमिली एंटरटेनमेंट होएगी, और क्योंकि सेंट सोल्जर ग्रुप जो है हर जगह इतिहास रखता है, ये गेमिंग जोन ना कि नंबर वन पूरा अपने पंजाब में अपने आप को साबित करेगा, इसके अलावा नेक्स्ट जो आगे आपके सामने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो भी अपने आप में अलग हटके होंगे। जी, मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस माध्यम दे रही सारे जलंधर वासियों ते पंजाब वासियों नू दसना चाहना कि पीपीआर ग्रुप पंजाब दा सब तो वड्डा इनडोर गेमिंग जोन लेके आया 27,000 स्क्वायर फिट दे विच पीपीआर मॉल जलंधर दे विच, जिहड़ा कि 24 तरीक तो सारी आवाम वास्ते खुल जाएगा, और असी यही उम्मीद करते हैं कि लोग इतने आन आ के अपनी फैमिली नाल छोटे बच्चे 2 साल 3 साल के बच्चे तो तक लिया सकते इतने, और वो आप भी उन्ना ही इंजॉय करेंगे जिन्ना उन्होंने बच्चे इंजॉय करेंगे, क्योंकि इतने असी हर तरह की गेम्स हर तरह का एक्सपीरियंस उन्होंने वास्ते सजा के रखे है, बस वो आन तो देखन।
असी अपने शहर वास्ते सिटी वास्ते एक फैमिली एंटरटेनमेंट का असी एक साड़ी विजन सी असी वो लियाए हाँ। असी कहने तुसी आओ सारी एजिस के बंद वास्ते एक्सपीरियंस होएगा ये यू विल गैट मल्टी क्यूजीन फूड हेयर एंड ये साढ़े को इतने स्टिमुलेटर गेम्स भी है आर्केड गेम्स भी है मेरे ख्याल से सिटी इवन नॉर्थ रीजन से ऐसा गेमिंग जोन नहीं होगा यू विल वंस यू एक्सपीरियंस यू विल फील द डिफरेंस।